जो छोटी छोटी क्लिप वो फेसबुक पर शेयर करें तो अच्छा लगे। मेरे साथ कुछ बच्चे लेके आया हूँ एज ए डेमो के लिए।
आपको दिखा रही है किस तरीके से बच्चे मिड ब्रेन के ट्रेन किए जाते हैं और किस तरीके से वो एक्टिविटीज कर पाते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा पहले, ताकि अपन बात स्टार्ट करें तो कुछ समझ में आए। मिड ब्रेन के बारे में किस किसने सुन रखा है, एक बार हाथ उठा देंगे। अच्छा, बच्चों ने बहुत अच्छे से सुन रखा है। अच्छा, आपको पता है दिमाग कितने होते हैं? एक बार हाथ उठा के बताइए, दिमाग होते कितने हैं? 1, 2, 3, 4, कितने दिमाग होते हैं? किसको पता है एक दिमाग होता है? एक होता है, दो होता है, किसी को पता है? बच्चों को, बच्चों से पूछा जाता है कितने दिमाग होते हैं? दो होते हैं। अच्छा, और कोई? एक होता है, एक होता है। चलो मैं बता देता हूँ, दिमाग एक ही होता है, दो पार्टीशन होते हैं, ठीक है? एक दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक होता है लेफ्ट में, एक होता है राइट में। दोनों ही अलग अलग चीजें जो करते हैं, दोनों का अलग अलग यूज है। लेफ्ट ब्रेन कुछ अलग एक्टिविटीज करता है, राइट ब्रेन कुछ अलग एक्टिविटीज करता है, ठीक है? अपना जो राइट ब्रेन है, राइट ब्रेन के बारे में सब जानते हैं, राइट साइड में जो ब्रेन होता है, देखा किसी पिक्चर्स देखी ब्रेन की, दो हिस्से होते हैं, बीच में से बटा हुआ सब कुछ नजर आता है, देखिए सबने हाँ या ना तो बोल रहे हैं, वेरी गुड। बच्चे बैठे तो कम से कम साउंड तो आना चाहिए, है ना? बच्चे तो बहुत ऊर्जा से भरे होते हैं, एनर्जी से भरे होते हैं, कम से कम एटलीस्ट आप लोग तो थोड़ा साउंड करके बोलो, है ना? तो दो पार्टिकल्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनका जो लेफ्ट ब्रेन है वो कम काम करता है, उनका राइट ब्रेन ज़्यादा काम करता है, तो बच्चे क्रिएटिव होते हैं। अब देखो घर में बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जो अपन नॉर्मली उनको बोल देते हैं, ये क्या कर रहा है, ये क्यों बिगाड़ रहा है, ये क्यों कर रहा है ना? तो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो थोड़ा सा अलग हो। और आप देखो छोटे बच्चे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जो बिल्कुल नॉनसेंस लगती है, अपन को नॉनसेंस लगती है, बट वो अपने क्रिएटिव माइंड को यूज़ कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ, कभी रेडियो खोल दिया, कोई मतलब नहीं है खोलने का, फिर भी खोल दिया, खराब नहीं था, सही था, फिर भी खोल दिया। कई बार टीवी खोल देते हैं, टीवी खोल करके रिपेयर कर रहे हैं, ठीक था फिर भी रिपेयर कर रहे हैं, है ना? ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं। जब धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो उनका जो राइट साइड का जो दिमाग है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, फिर बच्चे लॉजिकली हो जाते हैं, बच्चे लॉजिकली सोचने लगते हैं। देखा होगा जैसे ही अपन बड़े होते हैं तो लॉजिक्स बहुत लगाते हैं, जब अपने ऊपर हार्मोन्स हावी होते हैं, जब हार्मोन चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो आप देखोगे बहुत सारे सवाल करते हैं, सही गलत, है ना, ये सही है या वो गलत है, ये ठीक है कि नहीं है, करते हैं, सब करते हैं, सब अपने टाइम में गुजरे हैं उस टाइम से जब हार्मोन चेंजेस होते हैं बॉडी में, है कि नहीं है? तो बच्चों के अंदर एक दो दिमाग के बीच में एक छोटी सी सिड्डी होती है ना, सिड्डी बोल देंगे उसको, एक इधर से डेटा इधर जाने के लिए। जब कोई भी काम करते हैं अपन देखते हैं, कभी गाड़ी चलाते चलाते कभी गाड़ी चलाना भूल जाते हैं क्या? कोई ऐसा आदमी जो गाड़ी चलाना भूल जाए, या साइकिल चलाते चलाते साइकिल चलाना भूल जाए, या फिर कोई आए तो आगे अगर कोई चीज़ आ जाए तो आपको ब्रेक लगाना याद करना पड़े, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता ना? जो भी काम अपन रेगुलर करते हैं धीरे धीरे वो सारा डेटा जा करके और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेव हो जाता है। वो डेटा जब आपको काम में लेना है ऑटोमेटिकली, आप जब देखते हो अब किचन में जैसे सिस्टर्स वगैरह आए हुए हैं, किचन में जैसे अपन काम करते हैं तो कुछ गर्म चीज़ पे हाथ लग जाता है तो अपने आप हाथ हट जाता है, या आपको सोचना थोड़ी पड़ता मैं हाथ हटा लूँ क्या, क्या मेरे को हाथ जो है हटाना चाहिए कि नहीं चाहिए, थोड़ी सोचना पड़ता है, तुरंत हट जाता है ना ऑटोमेटिकली। सेम ऐसे ही जब अपन बाइसिकल चला रहे होते हैं बच्चे, या बड़े, या फिर मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, आगे कोई खड्डा आता है या फिर कोई और चीज़ आ जाती है जो ब्रेक लगाना पड़े, तो ऑटोमेटिकली हाथ चल जाता है ब्रेक पे, नीचे पैर भी चल जाता है, होता है ना ऐसा? ठीक है, तो ये होता कैसे है? आपको याद थोड़ी रखना पड़ता है, कार चलाते चलाते आपको याद थोड़ी रखना पड़ता है यार एक कार ऐसे चलती है, नीचे ब्रेक कहाँ होते हैं, गियर कहाँ होते हैं, ऐसा याद नहीं रखना पड़ता ना, ऑटोमेटिकली होता रहता है। ऐसा होता क्यों है, कभी सोचा है आपने क्यों होता है? कि सारा डेटा
जो अपन पूरे दिन की एक्टिविटीज होती है रात को जाकर के वो सेम होता रहता है। देखो रात को सपने आते हैं, किस किस को आते हैं सपने? सिर्फ बच्चों को आते हैं क्या? अच्छा, बड़ों को भी आते हैं। चलो गुड, बच्चे बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स कर रहे हैं, मतलब बहुत एक्साइटेड है। तो रात को क्या होता है, जब आप पूरे दिन काम करते हैं वो पूरा डेटा रात को सेव हो रहा होता है। रात को क्या है, वो डेटा सेव हो रहा होता है, वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में सेव हो रहा होता है। जब रात को सेव हो जाएगा डेटा तो ऑटोमेटिकली आपकी आदत पड़ जाएगी। अपन देखते हैं जिन लोगों को नींद नहीं आती है, कम नींद जिनको आती है उनकी आदत धीरे धीरे कम हो जाती है, ज़्यादातर औरतों के साथ होता है। काम करते करते हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया, फिर भूल गए कि नमक डाला कि नहीं डाला, है ना? तो कई बार चखना पड़ जाता है कि नमक डाला कि डाला, होता है कि नहीं होता है? होता है ना, एक बार बोल दो तो थोड़ा सा। हाँ होता है, चलो ऐसी बात है, याददाश्त तो कम होगी, है कि नहीं? तो बच्चों का एक प्रॉपर नींद भी जरूरी होती है कि नहीं? तो पूरा दोनों लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस होते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चों की आदत बढ़ती है। हम क्या करते हैं, बच्चों के दिमाग के लिए काम करते हैं, बच्चों की हेल्थ के लिए भी काम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों का दिमाग। अगर बच्चों का दिमाग अच्छे से वर्क करता है तो डेफिनेटली वो जाकर के कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा ही करने वाले हैं, कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करने वाले हैं, है कि नहीं है? श्योर है, बच्चों का दिमाग सही चलेगा तो कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा करेंगे। जिन बच्चों का दिमाग अगर विकसित नहीं हो पाता है तो डेफिनेटली उनको पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है, याद करके भूल जाना, है ना? आजकल तो छोटे बच्चों को भी दिक्कत होने लगी है, नींद ही नहीं आ रही है, मम्मी नींद नहीं आ रही है, क्या करूँ, रात को भी उठ जाते हैं। 14-15 साल के बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, छोटे बच्चे तो फिर भी सोते हैं 14-15 साल, और जब जैसे उनकी स्टडी स्टार्ट होती है 10th 12th, है ना, फर्स्ट ईयर तक आते आते इतनी टेंशन उनको हो जाती है जितनी अपन को नहीं होती है। अपन जॉब करते हैं और काम करते हैं पूरे, अपन ज़्यादा डिप्रेशन में बच्चे रहते हैं आजकल, है कि नहीं? बच्चों की आदत दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, एक तो दिनचर्या, दूसरा अपन ने अपनी सेहत के लिए खूब काम किया। किसी को डायबिटीज हो जाता है तो पूरी डायबिटीज पे ध्यान देना स्टार्ट करता है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है हार्ट पे ध्यान देना स्टार्ट करता है। तो हर चीज़ तो अपन करते हैं लेकिन दिमाग के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं। कभी कुछ किया है किसी ने दिमाग के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए किसी ने कुछ किया है? किया है क्या? एक बार बताएंगे, अगर किया है, नहीं किया तो भी बता दो, क्या किया है बेटा आपने? आपने क्या किया है? कुछ नहीं किया ना। तो हेल्थ के लिए हेल्थ पॉलिसी सर को ही है कि मैं सेहत अच्छी रखूं, बॉडी अच्छी रखूं। सब जिम जाते हैं, सुबह वॉक पे भी मिल जाएंगे लोग, लेडीज और गर्ल्स जेंट्स सब मिल जाएंगे रोड पे, लेकिन दिमाग के लिए कभी कुछ करते नहीं है। हम लोग दिमाग पे बच्चों के काम करते हैं, बड़े जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग पे भी काम करते हैं। और ये करते क्या है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि आपको इजीली जब मैं डेमो दूँ तो समझ में आए कि हो क्या रहा है। आपको जादू नहीं लगना चाहिए ना, मैं साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई जादू जैसा नहीं लगना चाहिए आपको, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आपको पता चल गया दिमाग काम कैसे करता है, यादा सेव कैसे होती है, ठीक है? बच्चे जो होते हैं, बच्चे कुछ भी काम करते हैं और उनके दिमाग में वो डेटा सेव हो जाता है। जब उनको जरूरत पड़ती है उस डेटा की तो ऑटोमेटिकली उसको कॉन्शियस माइंड में सबकॉन्शियस से भेज दिया जाता है ताकि उसको इंस्टेंट डिसीजन लिया जा सके, ठीक है? बच्चों में ये क्षमता होती है लेकिन धीरे धीरे बड़े होते होते हुए क्षमता कम हो जाती है। जो बीच में सिटी है उसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। आपकी भौं लगाते हैं, मैंने भी लगा रखा है, और ये जो भौं के बीच में जगह है इसको बोलते हैं थर्ड आई, ठीक है? तीसरी आंख, शिव भगवान के यहाँ पे देखी होगी सबने फोटोज में, शिव भगवान को नहीं देखा होगा लेकिन शिव भगवान की फोटोज में जरूर देखा होगा, यहाँ पे एक आई बनी रहती है, देखा है सबने? थोड़ा सा हाँ ना तो बोल दो, मेरे को भी थोड़ा सा जोर आना चाहिए बात करने। चलो वेरी गुड, तो थर्ड आई सबने देखी शिव भगवान की, ऐसी थर्ड आई आपके सबके पास है, सबके पास है। ऐसा नहीं है किसी के पास है किसी के पास नहीं है, सबके पास है, टोटल सबके पास, बट उसके बारे में अपन को नॉलेज नहीं है कि उसको यूज कैसे किया जाए, उसको काम में कैसे लिया जाए। ये मेरे पास है भी कि नहीं है, हो सकता है मेरे पड़ोसी पड़ोसी के पास है, मेरे पास नहीं है, पर ऐसा लगता होगा। ये थर्ड आई हर किसी के पास है जिसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं।
पीनियल ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स बॉडी में निकलते हैं जो अपनी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, दिमागी सेहत के लिए, शारीरिक सेहत के लिए, और बॉडी अच्छे से फंक्शन करे उसके लिए भी, ठीक है। तो इस पीनियल ग्लैंड को जब एक्टिवेट किया जाता है तो बॉडी में हार्मोन्स प्रॉपर निकलने लग जाते हैं, जैसा उनको होना चाहिए वैसा होने लगता है। तो याददाश्त ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। जब ये थर्ड एक्टिवेट हो जाती है तो अगर आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए, पट्टी इसलिए बांधते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि इसको आंखें खोल करके नहीं देखना है ना, ऑटोमेटिकली इसकी आंखें बंद है तो नहीं दिख रहा है, वो देख रही है तो यहाँ देख रहा है तो यहीं से देख रहा है। तो आपको विश्वास दिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पट्टी बांध देते हैं, है ना, और कॉटन भी लगा लेते हैं आजकल। कई लोग बोलते हैं ये पट्टी वैसे दिख तो नहीं रहा है, वैसे पट्टी चेक करवाऊंगा आपको, लेकिन कई बार ये लगता है कि पट्टी में से तो नहीं दिख रहा, ये तो नहीं दिख रहा, ऊपर से नहीं दिख रहा, तो हम लोग कॉटन लगा लेते हैं अंदर, ताकि आप अगर कोई खोलने की कोशिश नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कॉटन अंदर जाएगी और फिर आपको नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। तो बच्चे इस थर्ड आई के थ्रू कुछ भी देख लेते हैं। आपने देखा डायमेंशंस के बारे में, सब जानते हैं डायमेंशंस, डायमेंशंस ये बच्चे बहुत एक्टिव हैं। डायमेंशंस क्या होते हैं, एक ऐसी दुनिया जो डायमेंशंस से पहचानी जाती है। अपन जो है थर्ड डायमेंशन में रहते हैं, अगर आगे और पीछे जा सके तो उसको बोलते हैं फर्स्ट, दाएं और बाएं जा सके तो उसको बोलते हैं सेकेंड, और ऊपर नीचे भी जा सके तो उसको बोलते हैं थर्ड। तो अपन आगे पीछे भी चल जाते हैं, दाएं बाएं भी चल जाते हैं, ठीक है, और ऊपर नीचे भी चले जाते हैं, जा सकते हैं ना। इसके अलावा 11 डायमेंशंस और है, और नॉर्मली अपन अपनी आँखों से 3 डायमेंशंस में देख सकते हैं। आप सामने देख सकते हो, दाएं बाएं देख सकते हो, पीछे देख सकते हो, ऊपर नीचे देख सकते हो। लेकिन जिनकी थर्ड आई एक्टिवेटेड है, जिनकी थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी है, वो 11 डायमेंशंस में देखते हैं। मतलब समझ रहा है, नहीं आया, मैं समझा देता हूँ। 11 डायमेंशंस में देख सकते हैं मतलब आप किसी बॉक्स में कुछ रख दो, वो देख करके बता देंगे इस बॉक्स के अंदर क्या है, इस वॉल के पीछे कौन खड़ा है वो भी देख के बता देंगे। तो ये पावर मिडब्रेन एक्टिवेट होने के बाद आती है, जिसको थर्ड आई कहा जाता है, ठीक है। कुछ डेमो में आपके सामने छोटे बच्चे हैं, अभी अंडर ट्रेनिंग ही हैं, तो इनको मैं साथ में लेके आया हूँ आपको एक ट्रस्ट दिलाने के लिए कि हाँ ऐसी कोई चीज़ होती है। क्योंकि अगर मैं आपको वीडियो शो कराऊँ तो आप बोलेंगे यार फेक है, ये तो ना बनाया गया होगा, एडिट किया होगा, सिंपल सी बात है, अगर मैं भी होता तो यही बोलता है ना। लेकिन आपके सामने आपको मैं बच्चों का डेमो दूं तो आपको विश्वास होगा कि हाँ ऐसे चीजें हो सकती है। किसी ने सुना है कि आंख पे पट्टी बंधी हो देख सकते हैं, आंख पे पट्टी बंधे होने के बाद भी देख सकते हैं, किसी ने सुना है कभी, नहीं सुना, किसी ने सुना हो तो एक बार हाथ उठा देंगे, आपने सुना है, चलो वेरी गुड, पापा ने सुना होगा, ठीक है। और किसी ने सुना है, किसी ने नहीं सुना, ठीक है। मैं आपके सामने छोटा सा डेमो रखता हूँ, ज्यादा टाइम मैं आपका लूंगा नहीं, एक बेटा एक बार कोई भी आपने से आ जाओ, आयुषी आप आ जाओ, हाँ एक बार चेयर दे दीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना, और आपके सामने ही करवाऊंगा और आपको बुला के कराऊंगा एक्चुअली मैं, ताकि आपको ऐसे लगे सब कुछ अरेंज तो नहीं है ऐसा कुछ, है ना। आप में से कोई आना चाहता है यहाँ पे, कोई भी एक बेटा बच्चों में से नहीं, कोई भी जेंट्स एक बार कोई भी आ जाइए, कोई बच्चा आ जाएगा एक बार, और कोई एक जेंट्स, कोई भी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच बेटा, एक भी कोई भी बच्चा आ जाओ, कोई भी अच्छा आप आ जाओ, ये इस बच्चे की आंख पे पट्टी में एक बार बांध दो, उसको दिख तो नहीं रहा है, ये आपका बच्चा है, अच्छा ठीक है,
बेटा दिख रहा है कुछ? एक बार इसको कोई कलर से कुछ दे दो, कलर से अपने पास। बेटा कुछ देख पा रहे हो आप? ठीक है, देख ही नहीं रहा है इसको। ठीक है, ये इसलिए करवाया ताकि बच्चे के थ्रू चेक कर दीजिए, चेक कर सके कि हाँ पट्टी में कोई जादू तो नहीं है ना। ऐसा भी हो सकता है पट्टी में कोई जादू। सर एक बार आप अपनी आंखें बांध के देखिए, दिख तो नहीं रहा है कि नहीं, एक बार देख लीजिए फिर भी। चलो ठीक है, मतलब पट्टी में छेद तो नहीं है। ठीक है, मैं बच्ची की आंखों पे कॉटन भी लगा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे नीचे तो कुछ नहीं है ऊपर से कोई देखने की कोशिश कर रही है ना। क्योंकि कॉटन लगी होती है तो जाहिर सी बात है वो आंख नहीं खोल सकती, आंख खोलेगी तो कॉटन उसके अंदर चली जाएगी आंखों के अंदर। ठीक है, ये अभी बच्ची अंडर ट्रेनिंग है, इसकी ट्रेनिंग अभी कंप्लीट हुई नहीं है, अभी अंडर ट्रेनिंग है। मैं प्लीज कलर्स कलर्स या कार्ड्स कुछ भी दे दीजिए। हाँ नहीं, पहले उसको उसको दे दीजिए, मैं कलर्स दे दीजिए कलर्स। तो इसमें से कोई भी कलर आप यूज कर लो और उसको एक बार हाथ में धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं ताकि एक्साइटमेंट थोड़ा सा बना रहेगा। ये मैंने सर को बुलाया है, मैं अपने हाथ से नहीं दे रहा हूँ ताकि ये ना लगे कि हाँ मैंने कुछ फिक्स कर रखा है कलर्स। बेटा बैठ जाओ, हाँ हाथ में दे दीजिए। बेटा कलर आइडेंटिफाई करके बताओ कौन सा कलर है। ये बच्चे बहुत छोटे हैं और फर्स्ट टाइम ये इतने लोगों के सामने खड़े होकर कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। बेटा रिलैक्स आराम से, घबरा रही है उसको दे दीजिए, उसको दे दीजिए। बेटा रिलैक्स आराम से, आराम से, आराम से बैठ जाओ। एंजल कलर बताओ बेटा कौन सा कलर है। एक बार दिखा दो उनको ताकि ऐसे ही लगे कि आपको मैंने बुलाया। ये बच्ची बॉडी इसको ऊपर से थोड़ा दिख रहा है, पट्टी से ही बात पर्पल अदिति दिखा दीजिए बस। ठीक है, कोई और भी आना चाहे तो एक बार आ जाइए, कोई भी एक बच्चे नहीं कोई भी बड़ा जो भी आना चाहे प्लीज बिल्कुल सर बैठ। आप इनको दे दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
कोई भी कलर इसको दे दीजिए आप। ग्रीन कलर है, ठीक है। पिंक कलर है, सही है सर। कुछ और भी कोई आना चाहे, कोई भी बच्चों की बात पे कोई विश्वास नहीं करता। ये लीजिए सर, थैंक यू। वेरी गुड। ग्रीन कलर है, चलो ठीक है। एक मिनट सर, ये कुछ ये नहीं नहीं दे दीजिए, कोई इशू नहीं, दे दीजिए आप अपनी जैसे। एक बार क्या मैं ये सब चीज़ें करवाऊँगा, एक बार स्टेप बाई स्टेप आपकी पॉकेट से भी मैं चीज़ें निकलवाऊँगा और उसको आइडेंटिफाई करवाऊँगा कि आपको लगेगा कलर से ये लेके आए, इनको कुछ स्मेल तो नहीं है ना। स्टेप बाई स्टेप जी, आ जाओ ना। पर्पल है, थैंक यू। आ जाओ, आ जाओ, कोई भी चूज करके दे दीजिए आप। एंजल ब्लैक है, ठीक है। थैंक यू सर। ये तो कलर्स हो गए, ठीक है। कलर्स आइडेंटिफाई करना हो सकता है आपको इजी लग रहा हो, कुछ थोड़ा सा हार्ट पे चलते हैं अपन। मैम कार्ड दे दीजिए, ये मेरे पास इतने सारे कार्ड्स हैं। कलर्स तो कुछ ही होते हैं, 5, 7, 10, 12 है ना, ये इतने सारे कार्ड्स हैं मेरे पास। मैं इन कार्ड्स में से इसको बच्ची को दूंगा। एक काम करता हूँ, आप दीजिए, आप में से कोई भी आ जाइए। ये कार्ड्स में दे रहा हूँ, इसमें से कुछ भी आप चूज करके दीजिए, देखते हैं पढ़ पाती है, आइडेंटिफाई कर पाती है। आ जाइए सर, आ जाइए। ये अराउंड मेरे पास 100 कार्ड्स हैं, इसमें से आप कोई भी चूज कर दीजिए, कोई भी एक दे दीजिए आपका मन करे तो। छोटी क्लास में है तो इसको वर्ड्स पढ़ना इंग्लिश के भी आता नहीं। सही बताएगा इसने, सही बताया? यस सर, सही बताया। और कुछ दे दो इसको, देखिए मूली है। सवन को दियो, आप स्कूल में हो क्या?
उसको दे दीजिए। एंजल चेक करके बताओ क्या। आ जाओ आ जाओ स्कूल में आ जाओ यार। अरे आप मैं इनकी मांगे नहीं, आप इनके यार मांगे होंगे मुझे। आ जा तू सबन के लिए ही, वो तो कोई भी आ सबके लिए, सबके लिए ही है। वैसे कोई आना चाहे कोई भी नहीं 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 सबके लिए आ जाओ। ठीक है सही है सर, सही है सर। स्कूल के बाहर है। अरे चाबी मेरे पास है, प्रोग्राम चल रहा है यार, थोड़ा सा प्लीज यार सर यार। किरण पैलेस में अब मेरे पास है चाबी यार, अब कैसे जाऊंगा। थोड़ी सी एनर्जी आप ही दिखाओ, कोई भी एक बार आप आ जाइए यहाँ पे, थोड़ा सा दे दीजिए। चाबी मेरे पास है यार, किरण पैलेस में आ जाओ यार प्लीज, कोई से ले जा चाबी है यार। ए आ जा नो तो सवन को, वो तो नो तो ऐसा ही है सबके लिए, जो आज खाओ फ्रूट्स है नहीं, जो आज इनके सबके लिए सही है। क्लैपिंग तो कर दिया। जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, जिनकी एज अभी 8 साल है, किसी की 6 साल है, किसी की 9 साल है, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, ये ज़्यादा बड़े है नहीं, और कभी इतने पेरेंट्स को एक साथ देखा नहीं, कभी उन्होंने डेमो दिया नहीं है। ये अंडर ट्रेनिंग है और अभी इन्होंने फर्स्ट टाइम डेमो दिया है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम इनका। अरे तो थोड़ा सा क्लैपिंग्स कर दो, थोड़ा सा एनर्जी इनमें भी आ जाएगी। मैं आप में से किसी को बुलाना चाहता हूँ, कोई भी आप आ जाइए। बॉय येलो, येलो ऊपर और नीचे ग्रे स्किन। तीन बताया इसने, और भी कोई आना चाहे। बच्चे बहुत सारे तैयार हो रहे हैं। मैं और भी कोई आना चाहे प्लीज, बच्चे तो सब रेडी है, कोई बड़ा चेक करो बच्चों को, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं अपने पास से कोई चीज लेके आया। की है, चलो ठीक है। ये अंदर है जाओ करंट प्लेस में, आप तो छोटे बच्चों को प्रोग्राम है, तो वैसे टीम बनाया है से, छोटे बच्चों को प्रोग्राम आ जाओ, टीम बनाया है। ठीक है थैंक यू। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अपन, आपने ये तो देख लिया कि चीजें ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अभी अंडर ट्रेनिंग है ये बच्चे, ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट हुई थी, जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो बहुत कुछ कर पाएंगे। कभी ऐसा सुना है पैरों से बाहर बैठ सकता है, पैरों से आंखों से तो सबने देखा कि हाँ आग से अपन अखबार पढ़ लेते हैं, पैरों से अखबार पढ़ना इसे सुना है। एक बार प्लीज बताएंगे, सुना है नहीं सुना है, नहीं सुना। अगर इस बच्ची के पैरों से मैं अखबार पढ़ा दूं तो आपको विश्वास होगा, कर सकती है बच्ची। कर सकती है नहीं कर सकती, चलो ठीक है एक बार टेस्ट लेते हैं। आज सर आपका क्या है अखबार, अखबार आपका है, कोई भी अखबार। ये पैर से अखबार पढ़वा रहा हूँ, इसके पैर छोटे पड़ जा रहे हैं।
सर सही पढ़ाया गया इसने, बिल्कुल सही पढ़ा। मैं इनको लेके नहीं आया हूँ, कहीं आप सोचो मैं कहीं इनको बार बार बुला रहा हूँ। एक्चुअली मैं इनको इसलिए बार बार बुला रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा एक्साइटेड है यहाँ पे ये जानने के लिए कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। तो जब भी मैं बोलता हूँ आप में से कोई याद आओ तो सबसे पहले खड़े हो जाते हैं कि हाँ बड़े हैं तो बेटर रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई भी आप हेडिंग चूज करवा दीजिए। बेटा आपके पैर छोटे पड़ रहे हैं तो नीचे बिठा दो। फाइनल में सर सही पढ़ाए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैंने आपके बीच से इसलिए बुलाया था कि आपको ट्रस्ट हो कि मैं जो कर रहा हूँ कुछ अरेंज नहीं है। थोड़ी सी क्लैपिंग कर रही है छोटी भी बच्ची है, थोड़ा सा हौसला बना रही है। इतने छोटे बच्चे का यहाँ खड़े होना बहुत बड़ी बात है। बस कुछ मम्मी अच्छा पानी पीना है, पानी पीना है अच्छा ठीक है। ये अभी इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं है, 100 ट्रेनिंग है। ये सारे बच्चे जिनको मैं लेके आया हूँ इनको इसलिए लेके आया हूँ थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए ताकि इनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ये बच्चे सब कर लेते हैं लेकिन एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब किसी सामने करते हैं। अगर 100 या 200 लोगों के बीच में अगर कुछ करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ पाएगा, इसलिए इन बच्चों को मैं लेके आया हूँ। बेटा ठीक है, दे दूँ आप में ठीक है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रही। पहला से दे एक बार, एक बार पहला से स्टार्ट करते हैं फिर इसको देता हूँ। इस एज में बच्चे सही से बोल भी नहीं पाते हैं। सही बताया ये बेटा, ये बताओ कौन सी करेंसी है, कौन सा नोट है? हेलो हेलो, हाँ जी हाँ थोड़ी अंदर भेजते वीडियो शूटिंग काम मेरे माइक में चला रहा हूँ मैं और ले लेगा मेरे अच्छा है। सही है, ये छोटी सी बच्ची जब ये कर सकती है तो आप सोचो बड़े बच्चे क्या कर सकते हैं। फाइव का कोई है? किसका था ये?
हंड्रेड का है, सही बताए। ये इसके हाँ बाबू जी, अरे अंदर आओ ना किरण पैलेस में, या गाड़ी गाड़ी अंदर, हाँ गाड़ी अंदर लिया। अरे कोई नहीं, किरण पैलेस में कोई नहीं है, आप आ जाओ अंदर, आ जाओ तो है कितने का अंदर, गाड़ी लिया अंदर, गाड़ी लिया अंदर, आ जाओ। इसके सीरियल नंबर बताओ, सही बताया सर इसने, ठीक है। अरे दे दी चाबी, दे दे दी चाबी, दे दी। अरे वो पवन, वो आए ना पवन जी, आए थे वो मेन लॉटरी वाले भी आ गए, पवन जी आ गए, उनको दे दी। मुक्का पति थे, ये भी अंदर आ गए, ये पवन जी भी आ गए अंदर, कहाँ गुरु तुम्हें, खाओ आप खाओ, अंदर आओ एक मिनट। तो बहुत सुंदर थी, एक बार पढ़ के बता सकते हैं, पढ़ाई कैसे? सालू वैसे तो बहुत सुंदर थी, किंतु उसके एक पैर नहीं था। जब वह स्कूल में आती तो कुछ बच्चे उसे लंगड़ी और कुछ तो एक टांग के कहते थे। सही पढ़ा है। एक बार क्लैपिंग हो जाए प्लीज, खराब हो रहा है, नहीं आना चाहिए, होता है किसी साथ, सेंस कर पाते हो कभी? किसी ने किया है ऐसा सेंस कि मेरे को वहाँ नहीं जाना चाहिए, गलत लग रहा है मुझे, नहीं आना चाहिए, मन नहीं कर रहा है जाने का, और आप नहीं जाते हो और कुछ ना कुछ हादसा होते होते बच जाता है? सुना होगा बहुत, आपने आप एक्सपीरियंस भी लिया होगा इस चीज़ का। तो ये जिसको बोलते हैं सिक्स सेंस, पूरा पास लगाता है कि हाँ कुछ तो चीज़ है गलत होने वाली है, बोला आपको। तो सिक्स सेंस बच्चों का एक्टिव हो जाता है, उनकी कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि एग्जाम से डर लगता है, एग्जाम देने जाते हैं और उनको पे जाने से पहले ही फीवर हो जाता है। आपके एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको बुखार हो जाता है सिर्फ इस बात से कि उसका एग्जाम है, जिसको एग्जाम फोबिया बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो याद तो करते थे पूरे, लेकिन याद तो होता नहीं, या चार आते हैं या पाँच आते हैं, मेहनत पूरी करते हैं बट याद नहीं होता है, या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। कई बार आपस में देखते हैं कि बुक पढ़ते पढ़ते क्या होता है, पूरी बुक पढ़ दी और पता नहीं क्या पढ़ा, अपन तो खेत में चले गए, वहाँ से मटर तोड़ लिए, फिर घूमने चले गए। अभी इतने छोटे छोटे बच्चे हैं आराम से स्टेज, यहाँ पे अराउंड मेरे को लग रहा है 200 के आसपास लोग हैं, 200 लोगों के सामने 5 साल की बच्ची का परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात है, नहीं तो पैर कांपने लग जाते बड़े बड़े होके। मैं अगर किसी को यहाँ पे आके बोल दूँ कि हाँ कुछ लाइनें आप बोल दो, तो कई लोगों के पैर कांपने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली कि मैं क्या बोलूँ, हेजिटेशन होता है, हेजिटेशन बिल्ड जाता है बच्चों का और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है स्टडी के लिए, कोई भी काम करने के लिए, या फिर अगर बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है अंदर से कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। बच्चे पॉजिटिव हो जाते हैं, सकारात्मक चीज़ें, ऐसा नहीं बोले कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, ये तो हो ही नहीं सकता मम्मा पापा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये मेरे से पॉसिबल नहीं हो सकता, ये पड़ोसी का बच्चा कर सकता है, मैं नहीं कर सकता।
तो बच्चों के अंदर नेगेटिविटी एकदम गायब हो जाती है, बच्चे पॉजिटिव हो जाते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स बच्चों को होते हैं जो उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, बहुत सारे बेनिफिट जो उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। खासकर क्या आपने देखा कि बच्चे यहाँ पर आकर के 5-5 साल के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कॉन्फिडेंस तो उसके अंदर है। तभी यहाँ पे एक बच्ची खड़ी है और लगभग सारी बच्चियाँ ही हैं, लड़का कोई नहीं लेके आया मैं, सब बच्चे ही हैं। तो बच्चे यहाँ पे खड़े होकर परफॉर्म कर रही है 5-7 साल की, तो कॉन्फिडेंस तो ऑलरेडी है उनमें, तभी वो यहाँ पे खड़ी है कि नहीं है। ये पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम करता है विद मेडिटेशन, आपकी ऑल ओवर पूरी बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। बड़ों के साथ भी ऐसा होता है, बट बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम चला रहे हैं। बच्चों के अंदर कोई भी कमी नहीं रहती जो उनसे दिमाग से रिलेटेड हो, सारी कमियाँ उसकी पूरी हो जाती है, उसकी याददाश्त भी तेज हो जाएगी, उसको पढ़ाई में भी अच्छा लगेगा। किसी को अगर मोबाइल में ज़्यादा मज़ा आता है तो धीरे धीरे मोबाइल भी छूट जाता है। बड़े का मैंने बहुत टाइम देखा है, बड़े 15-20 में मोबाइल छोड़ देते हैं, अपने आप छूट जाता है। आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आपके काम का हो, बच्चों के साथ ये होता है, बच्चे क्रिएटिव हो जाते हैं, इतने क्रिएटिव हो जाते हैं कि फालतू चीज़ों में पढ़ना ही चाहते हैं, या तो गेम्स खेलेंगे ताकि गेम्स से कुछ उनका दिमाग डेवलप हो, या कुछ सीखें, या वो कुछ पढ़ना चाहेंगे, वो वेस्ट नहीं करना चाहेंगे टाइम को। ये सब एक्टिविटीज़ बच्चों में होने लग जाती है। हम यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जयपुर में, तो ऑलरेडी हम लोग रन करते हैं कुछ। मैं सर दे रहा हूँ माइक, सर बताएंगे कब से और कैसे स्टार्ट करेंगे। हाँ, अभी आप लोगों ने बच्चों के जो प्रोग्राम देखा है, ये कोई जादू टोना नहीं, ये शुद्ध विज्ञान है जिसको एक्सरसाइज और प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। आप जब ये बच्चे कर सकते हैं तो आपके बच्चे भी कर सकते हैं, हो सकता है इससे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आँख पर पट्टी बांध कर नोट पढ़ना या कलर पहचानना, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। काम की चीज़ ये है कि इन लोगों का कंसंट्रेशन पावर कितना तेज हो रहा है। आंखें बंद होने पर भी देखने का सेंस ले रहे हैं, बिना सुनने सुनने का सेंस लेते हैं। ये अपने सिक्स सेंस को इतना डेवलप किया हुआ है, जिसका बेनिफिट इनको एजुकेशन, इनकी जीवन की आगे की लाइफ में हर डिसीजन लेने में इनकी हेल्प करेगा। तो ये बच्चों के लिए एक प्रकार से आप उनको गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे पहले हमारे योगा और ध्यान हुआ करता था, इसमें वही सिद्धांत हम लोग यूज लेते हैं, कोई दवा नहीं देते, कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है, केवल प्रैक्टिस, कुछ म्यूजिक, कुछ ध्यान, कुछ मेडिटेशन, ये चीज़ें हैं। और हम जानते हैं मेडिटेशन और ध्यान हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है और सदियों से रहा है। बस कुछ दौर गया कि हम लोगों ने इन चीज़ों को छोड़ दिया, लेकिन नहीं, फिर दोबारा इन लोगों की ज़रूरत हम लोगों को पड़ी है, तो हम लोगों ने नए फॉर्म में इन चीज़ों को लेके आए हैं। तो आप अपने बच्चों का मेंटल एक्टिवेशन कराएं, और इसके लिए ये करीब 2 से 2.5 महीने आपका बच्चों का कोर्स चलेगा। ठीक है, और उसमें भी वीक में 1 या 2 दिन ही आपके बच्चों को हम लोग बुलाएंगे, और उसमें केवल गेम कराएंगे, डांस कराएंगे, कुछ म्यूजिक सुनाएंगे, टोटल इंजॉय होता है। कुछ पढ़ाई की चीज़ें नहीं होती है, फुल प्लेस एंजॉय कराया जाता है, कुछ मेडिटेशन कराया जाता है। तो ये आपने डेमो देखा, अब मैं आपके सामने कुछ अभिकस का डेमो दिखाना चाहता हूँ कि अभिकस बच्चों को किस प्रकार के ब्रेन को तेज करता है। जिन चीज़ों को हम सुन भी नहीं पाते उनसे तेज बच्चे कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। तो मैं टाइम का अभाव है हमारे पास, अपने अभिकस के बहुत सारे आप पहले भी डेमो देखे हैं, फिर भी हम 10-5 डेमो फटाफट देख लेते हैं, जिससे आपको ये एहसास हो जाए कि आपके बच्चे जो ऑलरेडी अभिकस कर रहे हैं, बाकी वो क्या सीखे हैं, वो क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं इतना तेज नंबर बोलूंगा कि आप मोबाइल पे डायल भी नहीं कर पाएंगे और बच्चे उससे तेज आंसर दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चे सेकंड में उनको सुनते हैं, माइंड में उसको इमेजिनेशन बनाते हैं और आपको जवाब देते हैं। यानी अभिकस भी एक पूरा ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट का कोर्स है, जो बच्चे का कंसंट्रेशन, उसका स्पीड और कॉन्फिडेंस और फोटोग्राफी मेमोरी डेवलप करता है। तो आप अभिकस में तो आपके बच्चे कर ही रहे हैं, आप मिड ब्रेन भी ज्वाइन करें और बच्चे के ब्रेन पावर को बढ़ाने में उसकी हेल्प करें। तो मैं कुछ आपको अभिकस का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो क्या है कि काफ़ी सारे बच्चे आए हुए हैं और बहुत सारे बच्चे, लगभग अभी भी 50% बच्चे हमारे नहीं आ पाए, क्योंकि आज ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम है, वहाँ भी बिजी हैं, कुछ एक दूसरा भी प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, इसकी वजह से कुछ बच्चे आ नहीं पाए। तो जो बच्चे आए हैं मैं उनका एक छोटा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ, फिर आप जो क्वेश्चन बोलेंगे वो बच्चे परफॉर्म करके दिखा
सिखाएंगे। हम क्या कभी सोच सकते हो कि बच्चा कोई 50,000 तक टेबल्स पहाड़े लिख दे? स्कूल के अंदर 50 तक भी पहाड़े और टेबल तक याद करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग रटते हैं और रटी हुई चीज माइंड से निकल जाती है। मैं कुछ डेमो दूंगा, उसका इम्पोर्टेंस भी साथ साथ बताता जाऊंगा। तो पहले अभी कस के सभी बच्चे एक बार तो सभी आ जाओ स्टेज पर। सिंगल डिजिट 20 रो 7 6 5 5 5 4 4 5 2 7 2 6 5 3 3 2 1 9 4 9 डैडी 94 94। हाँ सर, अभी मैंने आपसे कहा कि मोबाइल पे डायल करो, मुझे नहीं लगता कि इसके पास कोई मोबाइल पे भी डायल कर सकता है, और जिसको भी लगता है कि मुझे पूछना है वो पूछ सकता है एक उसमें से लेकर। यार नेक्स्ट डबल डिजिट 5 रो क्लियर। हमारे ये लैंग्वेज होती है डबल डिजिट का मतलब होता है दो संख्या, 5 रो का मतलब है नीचे कितने तक जाना है, ठीक है ना। क्लियर 30 47 91 25 36 30 229 यानी 229। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ, यहाँ पर आप केवल ये मत देखो कि बच्चा मैथ कर रहा है। पहली बार जब मैंने बोला एक नंबर, जैसे कि मुझको भी याद नहीं क्या नंबर बोला है, जैसे 30, बच्चों ने सुना और अपने ब्रेन के अंदर स्टोर किया। बच्चों को बुलाकर परफॉर्म करवाएंगे। थैंक यू। अब मैं आपको इंडिविजुअल एक एक दो दो बच्चे बोलिए 8 7 7 8 नेक्स्ट नंबर 2 2 5 5 5 नेक्स्ट 8 8 2 9 8 2 9 0 हाँ स्टार्ट। 50,000 तक टेबल्स बोल कर दिखाते हैं, बड़ा से बड़ा डिवीजन और मल्टीप्लाई को सेकंडों में कर देते हैं। हाँ ये उन्होंने क्वेश्चन किया है, क्लैपिंग। ओके चलो कोई भी एक नंबर बोल के जाओ, एक एक नंबर बोलो।
अभी 5 डिजिट का एडिशन है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 57,286 और बच्चा लेफ्ट साइड से दिख रहा है, राइट साइड से नहीं। जैसे कि राइट में तो हम लोग सिंगल सिंगल डिजिट को ऐड करते हैं, 349, 698, 1047 33 and 25 यानी दोनों ने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है, मेरा अलग ऐड किया उनका अलग, मेरा सुना लेफ्ट में निश्चित करके रखा, उस बच्चे का सुना लेफ्ट में निश्चित करके रखा, मेरा कैलकुलेशन ये राइट ब्रेन में कर रहा है, उस बच्चे का लेफ्ट ब्रेन में कर रहा है, यानी ब्रेन के अंदर दोनों ब्रेनों का ये यूज कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बार बार यही चीज कहता हूँ कि अब एक उसको कभी भी मैथ से नहीं जोड़ना चाहिए, ये कंसंट्रेशन, उसका फोटोग्राफर, उसका लिस्निंग स्किल, ये सारी चीजें बिल्ड करती है। और आज हमारा टाइम का अभाव है, क्योंकि मिड ब्रेन में हमने बहुत लंबा टाइम लिया, अब एक असल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीजें ये की जा सकती है, ठीक है ना, जिनको कर पा रहा स्पार रूट है, ठीक है ना, कोई भी एक काम करो। थैंक यू बेटा। और इसके अलावा सर डिवीजन और रहेगी मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है, और चलो मल्टीप्लाई कौन करेगा थर्ड नेबर में से, डबल से सिंगल आ जाए, हाँ सही है क्या, थैंक यू एक सवाल करा देता हूँ फिर मैं आपको फ्री करूँगा, ठीक है ना, हाँ आप आ जाओ, ये तो ऐसे चालू हो गए जैसे दिमाग में पहले से बैठा हुआ है आंसर। अब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लो,
चलो अब हम अब हाँ इस्टा छोटे वाले को करो ट्रेन ओके बड़ा क्लियर तो क्लैपिंग बाय भेजो हाँ एट टाइम्स गया है और 35 रिमाइंडर बचा है ठीक है तो ये हम लोग रिमाइंडर को ये ब्रैकेट में लिखाए और आप भी जो पूछना चाहे वो आप भी पूछ सकता है कोई भी डबल ट्रिपल डिजिट 93 47 डेडी 316 नेक्स्ट 88 67 93 29 इस प्रकार से ये बच्चे हमारे यहाँ कोर्स कर रहे हैं कुछ महीनों से और कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन कर रहे हैं हम बीच में केवल एक या दो दिन ही बच्चों को बुलाते हैं और 5 से 7 मिनट का होमवर्क देते हैं जो बच्चे रेगुलर होमवर्क करते हैं और रेगुलर क्लास में आते हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा और बहुत तेजी से सुधर जाता है तो आप लोग भी अपने बच्चों को अबेकस में और मिडब्रेन के अंदर ज्वाइन कराएं ठीक है जी और आपको जो भी एक्स्ट्रा कुछ पूछना है जानकारी लेनी है मेरा विवेकानंद स्कूल के पास में अबेकस का सेंटर है मेरे से आकर मिल सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं धन्यवाद थैंक यू एक मिनट और आप लोगों का गिफ्ट जो रह गया है लकी ड्रा वाला वो मैं निकाल देता हूँ जितेंद्र कुमार गोयल वो पिता का नाम है और बच्चे का नाम है दक्ष गोयल है क्या वेरी गुड हेलो हाँ कौन सी क्लास में हो 32 क्लास में कौन सा स्कूल में GPS में 32 का क्लास है ओके ओके थैंक यू अनुज खंडेलवाल मुकेश कुमार गुप्ता अनुज खंडेलवाल तो अभी कस्टमर मेंटेनेंस करोगे आप भी अजय साहब यस वेरी गुड और ऑफिस की जान मेरी जेब में मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ ओके थैंक यू मेट्रो आपका मानवी घर श्री मदन मोहन घर आजो आजो बाकी आजो उधर पहुंचा उधर स्कूल में वेरी गुड आप में चाहते कोई भी फटाफट दिनेश लखवानी हाँ पवित्र शर्मा आ जाओ हाँ कवित कौन सी क्लास में हो फोर्थ क्लास में कौन से स्कूल में केंद्रीय विद्यालय
विद्यालय में, तब आप भी ज्वाइन करोगे आप भी? यस। वेरी गुड। अच्छा रितेश गार्ग, श्री मदन मोहन गार्ग, बाकी आओ, बाकी आओ। रितेश थैंक यू। प्राक्षी अग्रवाल, प्राक्षी अग्रवाल, श्री लक्ष्मीकांत मंगल, आप कौन सी क्लास में प्राक्षी? ओके थैंक यू। चिराग लखवानी, चिराग आ जाएगा आपका नंबर है ना। चलो नेक्स्ट दिखा दो। हाँ श्रिया शर्मा, कौन सी क्लास में श्रिया? वेरी गुड। अक्षय कुमार मीना, अक्षय कुमार मीना, हाँ वो बच्ची आई थी ना छोटी सी, अब आ जाओ, आगे आपका नंबर, आ जाओ पक्के आ जाओ। क्या नाम है आपका? क्या? नीति। ओके स्कूल जाना चालू कर दिया, कौन सी क्लास में हो? क्लास में। वेरी गुड। अब आओगे आप मिड मैनर सीखने? ओके जाओ। क्लियर। तो ये बच्चों का इसे प्रोग्राम रखने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि जो बच्चे अभ्यास कर रहे हैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, पब्लिक के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। ठीक है, तो फिर और डिटेल चाहिए तो आप हमारे सेंटर पे आकर मिल सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं। धन्यवाद।